हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कॉमन टॉपिक। कैसे हैं आप सब? और आज मैं आपके लिए दिस मेकअप लुक लेकर आई हूँ। ये मैंने हरियाली तीज मेकअप लुक क्रिएट किया है। सावन चल रहा है तो सावन के ही वक्त में हरियाली तीज में आती है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये मेकअप लुक क्रिएट करूँ मैं भी। और मैंने ग्रीन और रेड कलर की साड़ी वेयर की थी। बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हुई हूँ, कोई भी इस लुक को क्रिएट कर लेगा। बहुत टाइम से सोच रही थी, बट थोड़ा लेट हो गई इस लुक को क्रिएट करने के लिए। अभी एक दो दिन में ही हरियाली तीज पड़ने वाली है, तो सोचा जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए मेकअप लुक मैं क्रिएट कर लूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को विद बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सकेगी जब भी मैं अपने वीडियोस पोस्ट करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे अगर कोई भी रेडी होना चाहे तो ये लुक क्रिएट कर सकता है। और मैरिड वुमेन्स के लिए तो ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि नई नई दुल्हन अगर कोई है तो वो ये लुक बहुत जल्दी इजी तरीके से सिंपल तरीके से क्रिएट कर सकती है। चलिए ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने टोनर लगाया था, सेम वही प्रोसीजर है जो स्टार्टिंग में अपन को करना होता है मेकअप से स्टार्ट करने से पहले। मॉइस्चराइजर, टोनिंग एंड प्राइमर वगैरह ये सब मैंने अप्लाई किया था। आप देख सकते हो किस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ जल्दी जल्दी। मैंने वीडियो तो थोड़ा फास्ट कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता तो मैं नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस बोर हो जाए मेरे वीडियोस देख के। तो जल्दी जल्दी मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। और ये और मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी सभी का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कीजिएगा। फाउंडेशन स्टिक का यूज़ कर रही हूँ, मैं कंसीलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया है, पता नहीं क्यों इस सीज़न में मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो फाउंडेशन स्टिक का यूज़ किया है मैंने, और जल्दी जल्दी स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूँगी। जिससे अब ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना फ्रेंड्स, ईयर्स और नेक एरिया ज़रूर कवर कीजिए आप जब भी मेकअप करते हो, तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए जिससे आपका मेकअप अच्छे से फ्लॉलेस दिखता है अगर आप अच्छे से ब्लेंडिंग करते हो। आप देख सकते हो मैंने कितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग में का टाइम लिया है। आईब्रो को शेप दे दूँगी, बहुत ही लाइट कलर से शेप दूँगी, डार्क नहीं करूँगी क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा डार्क है, आपको मैं हमेशा ही बोलती हूँ, तो इस वजह से मैं अपनी आईब्रोज पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करूँगी, ये लैक्मे का है, ये थोड़ा मुझसे टूट गया था तो मैंने इससे ऐसे रखा हुआ है। आईज़ एरिया को कवर करूँगी जिससे मैं आईज़ मेकअप करूँ तो जो एक्स्ट्रा फॉल आउट होगा वो उससे मैं इजीली हटा सकूँ, इस वजह से पहले मैं इसे इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। और मैं एक ही पैलेट का यूज़ करूँगी, इसमें से मैंने बहुत लाइट कलर का ट्रांजिशन शेड लिया है बहुत। और ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, बहुत अच्छे ब्रशेज मिले थे मुझे ये। कुछ इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया था ट्रांजिशन शेड को, बहुत ही लाइट कलर अप्लाई किया है मैंने। और सेम पैलेट में से मैंने तीन चार कलर का यूज़ किया है, रेड कलर का भी यूज़ किया है ये, बट ये पिंक दिख रहा, पता नहीं ये मेरे कैमरे में क्यों प्रॉब्लम होता है कि जो मैं कलर यूज़ करती हूँ वो कलर ये दिखता नहीं है, दूसरा ही कलर दिखता है। तो ये रेड कलर है, आप लोग ये मत सोचना कि मैंने पिंक यूज़ किया, डार्क रेड है बट ये पिंक दिख रहा है। और इसके बाद मैं ग्रीन कलर का यूज़ करूँगी, लाइट ग्रीन। और ये बहुत ही ज़्यादा पाउडरी आई शेडोज़ हैं, बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है इससे, तो आप अगर इस पैलेट को यूज़ कर तो आप ज़रूर लूज़ पाउडर अपने अंडर आईज एरिया पे लगा लीजिए जिससे आप एक्स्ट्रा फॉल आउट को इजिली हटा सकें। तो मैंने कुछ इस तरह से अप्लाई कर लिया था, ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो कलर मैं चाह रही थी वो कलर आ ही नहीं रहा था, बहुत टाइम लग गया मुझे आईज़ मेकअप में। तो कुछ इस तरह से मैं क्रिएट कर रही थी अपना आईज़ मेकअप, देख रहे हो बहुत ही, और अपना क्रीज एरिया को मैं कवर कर रही हूँ, पूरा पूरे आईज़ को कवर नहीं किया है। तो ग्रीन कलर का यूज़ करूँगी, लाइट ग्रीन है, इसे भी मैंने तीन चार बार लिया बट वो कलर नहीं आ रहा था जो मुझे चाहिए था। आप देख रहे हो मैं कितना परेशान हो रही थी, वो कलर मुझे मिल ही नहीं रहा था जो मेरी साड़ी का कलर है। तो इसके बाद मैंने डार्क ग्रीन का यूज़ किया था, तो थोड़ा मेकअप लुक चेंज हो गया था, डिफरेंट हो गया था। अगर आप चाहो तो आप इस तरह से लुक क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने इस लुक को क्रिएट करने के लिए लाइनर का यूज़ नहीं किया है, काजल का यूज़ नहीं किया। मैंने व्हाइट काजल का यूज़ किया था बट उसका पिगमेंटेशन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं डार्क ग्रीन का यूज़ कर रही हूँ, क्रीज एरिया को कवर करते हुए मैं लगाऊंगी। आप देख रहे हो इस तरह से आईज मेकअप में आप बहुत अच्छे से टाइम लीजिए,
और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कीजिए, जैसे कोई हैश लाइन ना देखे। मेरी आईज बहुत स्मॉल है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस मेकअप में, हमेशा बहुत टाइम लग जाता है मुझे। तो कुछ इस तरह से मैंने किया, बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो गया था, तो मैंने लूज़ पाउडर के हेल्प से पूरा एक्स्ट्रा फॉल आउट को अपना हटा दिया था एक ब्रश की हेल्प से। आप देख रहे हो मैं किस तरह से हटा रही हूँ पूरे लूज पाउडर को। वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ मैं, बट इसका पिगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मैंने 30 रुपी कुछ का लिया था, बट बेकार निकला ये प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मुझे। सेम पैलेट में से मैं अपने आईब्रोज को हाईलाइट कर लूँगी। इस पैलेट को मैंने 2-3 तरह से यूज़ किया है, ब्लशर भी इसी से, कंटोरिंग भी इसी से। तो कुछ इस तरह से मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से, आप देख रहे हो। फाउंडेशन आप बहुत अच्छे से अप्लाई कीजिए, आपको जिससे आपको डार्क चाहिए आप डार्क रख लीजिए, लूज लाइट रखना है लाइट रख लीजिए। तो कुछ इस तरह से मैं कॉम्पैक्ट सॉरी स्पॉन्ज की हेल्प से लगा लूँगी, आप देख रहे हो। और पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लूँगी, लूज़ पाउडर जो है अच्छे से लगा लीजिए। इस सीज़न में थोड़ा फ्लटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छे से यूज़ कीजिए। लिप लाइनर का यूज़ किया मैंने एज अ काजल, मैंने यहाँ काजल का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरी आईज बहुत स्मॉल है, तो मैंने सोचा इस तरह से लुक किया जाए। ब्लशिंग करूँगी सेम का पैलेट से लेकर, डार्क पिंक कलर लिया था मैंने और बहुत लाइट कलर से ब्लश किया था मैंने। और सेम पैलेट में से मैं कंटूर करूँगी और हाईलाइट भी कर लूँगी। हाईलाइटर का मैंने बहुत कम यूज़ किया है, जो ज़्यादा यूज़ नहीं किया इस बार मैंने हाईलाइटर का, बहुत ही कम किया था। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है स्मॉल ब्रश की हेल्प से, आप देख रहे हो मुझे जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पे मैंने लगा लिया था। जहाँ भी आपके हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं आप वहाँ लगा लीजिए इसे अच्छी तरह से, देख रहे हो। अब मैं कंट्रोलिंग कर लूँगी, बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आपके पास इस तरह का कोई पैलेट है जिसमें सभी कलर है, तो आप इस तरह से उस पैलेट को 2-3 टाइप से यूज़ कर सकते हो। और कंटूरिंग जरूर कीजिए अगर आपका फेस हेल्दी है तो। और मस्कारा लगा लूँगी, मुझे मस्कारा लेना है, मेरे सारे मस्कारा ड्राई हो चुके हैं पता नहीं क्यों, तो प्लीज़ इग्नोर करना अगर मस्कारा का लुक ना दिखे तो। अगेन सेम पैलेट से मैं ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी एज अ लाइनर, मैंने लाइनर नहीं लगाया जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, कुछ अलग करने की कोशिश की है मैंने। ऐसा लुक भी अगर आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी पसंद आया था ये लुक जब कंप्लीट हुआ था, क्योंकि लाइनर मुझे सूट नहीं करता। मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे लाइनर काजल बिल्कुल सूट नहीं करता, मैं कितना भी अच्छा यूज़ कर लूँ मुझे आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो इस तरह से मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया था एज अ लाइनर, आप देख रहे हो। और इसी पैलेट में ये एप्लीकेटर आपको मिल जाता है, तो सेम एप्लीकेटर से मैंने अप्लाई कर लिया था कुछ इस तरह से, आप देख रहे हो। अब मैं लगाऊंगी लिप बाम लगा लूँगी, आप मॉइस्चराइज जरूर कीजिए लिपस्टिक लगाने से पहले लिप्स को। तो लिपस्टिक लगा लूँगी अब मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कीजिएगा। लगा लिया है मैंने, मैंने ज्वेलरी वेयर कर लिया था, अपने बालों को क्लच कर लिया था हाफ बालों को और कुछ बाल फ्रंट में निकाल लिए थे। तो ये मेरा फाइनल लुक, होप आप सबको ये मेरा लुक पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके बताना आपको मेरा ये लुक पसंद आया कि नहीं आया। तो कुछ इस तरह से मैं रेडी हुई थी, और अगर आप कोई लुक मेकअप लुक देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूँगी वो लुक। तो मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा मेरे वीडियोज़। लव यू ऑल, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।